Hi guys, you are on Ismail IAS YouTube channel. This is the second algebra lecture too, okay? Our tagline is Veer Bhoge Vasundhara, means those who are hardworking and ambitious, they can achieve anything, whatever they want in their life, okay? So, आज का concept जो है, concept, okay? If x माइनस वन अपान x इक्वल रूट एन माइनस फोर, ओके, अगर ऐसा होगा तो x प्लस वन अपान x इक्वल क्या होगा, यही एक कॉन्सेप्ट है, ओके okay? हम इसको निकालते हैं, कैसे इसको निकला जाए, ओके okay? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो पहला वाला है इसी को हमें जो दिया है इक्वेशन उसी को रूट को इस साइड लेते आना है, उसको खोल भी देना है, तो खोलने पे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स, ओके, और देन दिस साइड एन माइनस फोर, ओके, सो दिस एक्स एंड दिस एक्स इज कैंसिल आउट एंड इस फोर को क्या करेंगे, हम इस साइड लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा ये माइनस टू, उधर ये प्लस फोर इधर आ जाएगा, तो इधर प्लस टू बच जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा एन, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को हम इस साइड लेते जाएंगे तो रूट एन आ जाएगा, ओके okay? ये एन माइनस फोर होगा तो ये ऐसा होगा, ओके okay? आप इसको इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है, ये होगा तब ये वाला होगा, ओके, इन दोनों को आपको याद कर लेना है, वो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए स्क्रिप्ट है बाकी, ओके। और इसी का अगर दूसरा साइड आप देख लो, दूसरा उसको हम नंबर वन कर देते हैं, ठीक है, इधर नंबर टू कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको क्वेश्चन समझाने पे समझ ज्यादा बेटर है, ओके। एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल रूट एन होगा, ओके, क्या होगा, रूट एन होगा, तो इसको फिर से हम वही सेम में खोल देते हैं, यहां पूछ रहा है तो ऐसे ऐसे वाले में क्या होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भी ऐसे खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान x माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स इक्वल एन, दिस वन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, और क्या करेंगे, इन दोनों को साइड प्लस फोर कर देंगे, ओके, इधर भी प्लस फोर कर देंगे और इस साइड भी प्लस फोर कर देंगे, तो ये माइनस टू है प्लस फोर, तो ये हो जाएगा प्लस टू, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल आ जाएगा एन प्लस फोर,
आइए x प्लस का होल स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर है, ओके होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का हम साइड लेते आएंगे तो n प्लस 4 हो जाएगा, ओके x माइनस x में ये होगा तो ये हो, ठीक है, इसको भी आपको याद ही कर लीजिए दोनों। ओके और इसको भी, ठीक याद ही कर लीजिए इसको, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके सो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल √21, ओके सो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल क्या होगा, ये पूछ रहा है। अभी हमने क्या पढ़ रहे थे, पॉजिटिव का पॉजिटिव, बट यहाँ पे पॉजिटिव का साइन निगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव वाला पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे करेंगे, अभी हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, n ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या करना है इसको, ये अगर n दिया हुआ है, ओके तो हमें क्या करना है, कौन सा फार्मूला, x 1 अपॉन x इक्वल √n+4 का फार्मूला लगाना है, यहाँ पे पहले से n दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, फार्मूला प्लस 1 अपॉन x इक्वल √n+4, ओके एन क्या है 21 है, 21 + 4 इक्वल 25, इसका रूट यह हो जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, यस सो आपको ऐसे ही करना है, ओके okay. अब जैसे आपको यहाँ पे और कुछ भी पूछ सकता है, ओके okay. जैसे आप यहाँ पे और क्या आपसे पूछ सकता है, जैसे इसको, जैसे आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x² क्या होगा, इसको तो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो निगेटिव वाला जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर वो वाला आप यूज कर सकते हो, दूसरा है पॉजिटिव वाला, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप निगेटिव पॉजिटिव कोई भी यूज कर सकते हो, ओके तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वाला 5 आया है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाला ही यूज कर लेते हैं, ओके तो इसका क्या फॉर्मूला है, n² - 2 है, तो n क्या है 25 एंड स्क्वायर इसका 25 हो जाएगा, 25 - 2 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ओके और यहाँ पे जैसे एक प्रॉब्लम और कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे x³ पूछ लेता है, x³ + 1 अपॉन q इक्वल पूछ लेता है, तो क्या करोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n³ - 3n होता है, ओके तो n क्या है 25 है, 5 है, तो 125 हो जाएगा क्यू, 125 - 5 3 = 15, तो क्या बचेगा 110, ओके सो आप और सारे चीजों जो फॉर्मूला मैंने पिछले में पढ़ाया था वो आप सारे निकाल सकते हो इसी तरीके से, ओके okay? हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन x+1, अच्छा x+1 अपॉन x = √13, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, x - 1 अपॉन x इक्वल क्या होगा,
पूछ रहा है ये। तो ये वाला आप देख रहे हो कहाँ पे है, ये वाला है। अगर एन प्लस फोर लिखा है तो उसका क्या वैल्यू आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, फोर माइनस कर देंगे, वो एन प्लस फोर का वैल्यू है। तो एन का वैल्यू क्या होगा, जैसे हम आपको करके दिखा देते हैं। 13 जो है एन प्लस फोर इक्वल 13 दिया हुआ है, तो एन इक्वल क्या हो जाएगा, फोर इधर चला जाएगा, 3 9 हो जाएगा। तो 9 रूट, और इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल रूट एन। एन क्या है, 9 है, तो यहाँ पे अगर 9 डालोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, अब इसमें भी जैसे अब आपको और भी ढेर सारी चीजें निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आपको निकालना है एक्स स्क्वायर वाला, हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल पूछ लिया है, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ओके, एन क्या है, क्योंकि हमने नेगेटिव वाला फार्मूला यहाँ पे यूज किया, तो नेगेटिव फार्मूला क्या है, ये एन यहाँ पे जो आया है 3 आया है। तो ये जब ये 3 आया है तो यहाँ हम 3 पुट कर देंगे, 3 3 9 प्लस 2 11 121 आ गया, होल स्क्वायर 11 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो गया, तो कितना आ गया, 119। सो आप और भी सारे इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करा, इफ एक्स प्लस वा, ग्लिच आ रहा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल रूट 53। ओके, सो क्या पूछ रहा है, एक्स क्यू का ये वैल्यू पूछ रहा है। तो उसके पहले आपको निगेटिव वाला पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, ये प्लस में तो ये रूट एन, एन कहाँ से आएगा, एन ये जो लिखा है ऊपर वाला वो एन प्लस फोर है। ओके, तो ये 53 हो जाएगा, एन इक्वल कितना हो जाएगा, फोर इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 49। ओके, तो यहाँ पे आप 49 रख दो, कितना आ जाएगा, 49 का रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ओके, अब हमें अभी हमें क्या वैल्यू एक्चुअली निकालना है, निकालना हमें ये वाला। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका यहाँ लिख लेते हैं, एक्स क्यू माइनस वन अपान क्यूब इक्वल एन क्यूब माइनस सॉरी प्लस 3 एन। ओके, तो एन क्या है, 7 है, तो क्या करेंगे इसको, तो हम 7 का क्यूब क्या होता है, 7 हो जाएगा 3 4 3 प्लस 3 7 into 21। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 6 3 आ जाएगा। ओके, आप ऐसे निकाल सकते हो, ये
तो आप और आगे भी निकाल सकते हो जो जो, क्योंकि अब आपके पास एन का वैल्यू है। ओके यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल रूट 5 है, ये आसानी से सब हो जाएगा जब एक बार आप कई बार सॉल्व किए रहोगे तब, क्योंकि कई चीजें आपको दिमाग में करनी है, वो अपने आप ही होने लगेगा जब आपका एक प्रैक्टिस लेवल पे पहुंच जाएगा। तो अब पूछ क्या रहा है, एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो हमें पहले एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये रूट एन है। ओके और तो हमें पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का, ये क्या होता है, एन प्लस 4 होता है। ओके और वो एन है, एन को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, √9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमें 5 वाला लगा देना है फॉर्मूला। 5 वाला फॉर्मूला क्या है, एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 इक्वल एन स्क्वायर माइनस 2 एन क्यूब माइनस 3 एन माइनस एन। ओके दिस इज द, तो हमें क्या करना है, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 माइनस 2 तो यहाँ 7 हो जाएगा, इंटू और 3 का 9 27 हो जाएगा, 27 माइनस 9 18 हो जाएगा यहाँ पे। ये 18 हो जाएगा माइनस और माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 × 18 क्या जाएगा, 126 आ जाएगा, माइनस 3 123 हो जाएगा। ओके 123 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं। ओके तो इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल इक्वल √20। ओके सो कुछ क्या रहा, 1/4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। ओके तो यहाँ ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ओके ऐसा वाले में इस फॉर्म में हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ये जो भी पढ़ा है सब पॉजिटिव रहता है, तो हम इसको ऐसे कर नहीं सकते, तो इसको क्या करते हैं पहले खोल लेते हैं। तो खोलेंगे तो क्या जाएगा, इसको तो एक्स प्लस 1 एंड माइनस 1 वाला जो ये एक्स स्क्वायर कर देंगे, ये प्लस वाला हो गया और दूसरा माइनस वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला तो हम कर लेंगे, अभी इस वाले को भी हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं उसको और खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस एक्स हो गया। ओके हम ये वाला कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, अबे यहाँ पे एन का क्या वैल्यू दिया है, तो एन इक्वल एन प्लस फोर इक्वल 20 दिया हुआ है। ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ओके ये 16 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 16 का वैल्यू इन सब में पुट कर देना है। नहीं नहीं पहले हमें निकालना क्या है, ये वाला निकाल लेते हैं पहले, एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल रूट एन हो जाता है। एन क्या है यहाँ पे 16 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, आप कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आप देख लो, हमें ये वाला निकल गया है। अब हमें पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला क्या दिया हुआ है, रूट 20 दिया हुआ है, पॉजिटिव वाला रूट 20 दिया हुआ है, एंड ये एक्स स्क्वायर ये वाला भी निकालना है। ठीक है तो इसका फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि अब हम इसी को आगे करते हैं कंटिन्यू इक्वल। ओके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर वन मिनट, तो ये हो जाएगा, ये इस फॉर्म में खोल दिया तो हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी पहले हमें क्या करना है इस वाले को निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान इक्वल क्या होगा, इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर प्लस टू, एन स्क्वायर प्लस टू। ओके यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, इक्वल एन को हम क्या करेंगे, एन क्या है, एन आया है 16, तो हम क्या करेंगे एन के स्क्वायर, सॉरी एन जो यहाँ पे है सॉरी वो पॉजिटिव वाले का वैल्यू, हमें नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये नेगेटिव का है 4 है, तो 4 का क्या करेंगे, 4 जा 16, 16 प्लस 2 तो 18 आ गया, इसका वैल्यू 18 आ गया। अब क्या बचा, ये माइनस वाला का भी हो गया, प्लस वाला का भी हो गया, स्क्वायर वाले का भी हो गया, तो हम इस सबको गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या आ गया 18 इंटू एक्स प्लस वन का क्या है रूट 20 इंटू एक्स माइनस वन का कितना है का 4 आया है। ओके सो ये आंसर हो जाएगा। ओके तो हम इसको गुणा कर सकते हो या इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो। ओके 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को यहाँ रूट 20 को 4 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है तो ये 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, इधर 4 है ही पहले से, और इधर इंटू 18 हो गया। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 2 उसमें से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा।